पंजाब के हालात असी जिन्हों के इस वे असी विचर रहे हैं जिन्हों के नज़र की आ रहा है कि जो कुछ शब्दों के इन्हों समझ की कोशिश करी कि असं इन हालात पहुँचे क्यों है। महाराजा रणजीत सिंह के राज जे प्रबंध देखा जाए मुल्तान का हिंदू गवर्नर दीवान मुकम चंद उन्हों का विदेश मंत्री फकीर अजीजुद्दीन तो उधर जमरौद के किले से पठाना नथ पान वाला पुटियां सलवारा जड़िया उन्होंने कराइया उन्हें वो जरनैल हरी सिंह नलवा एजुकेशन प्रबंध नंबर वन का उन्हों का फाइनांस नंबर वन का जे ये सारिया चीज़ा सी उन्होंने फाइनांस में महाराजा रणजीत सिंह के जड़ा सिख राज की अज भी गाथा नहीं सुनाई जाती नहीं पढ़ी जाती क्योंकि इस सरकार को शर्म आती है। इस वजह करके शर्म आती है क्योंकि उन्होंने एक रुपए के 13 पाउंड जोड़े से आते अज तुम एक पाउंड लेना हो 100 रुपए तो उत्ते देंगे दे। जे ये थोड़ी आर्थिकता है ये थोड़ी व्यवस्था है तो मेरा ख्याल है कि हर लोग हर सज्जन देश का यह चाहेगा कि महाराजा रणजीत सिंह का राज चंगा सी वो आना चाहिए। लगता कि सियासी तौर पर जोड़े लोग व्डिया व्डिया कुर्सियों रहे अफसर शाह जोड़े व्डिया व्डिया पोस्टा रहे जिन्हों के हथ बहुत कुछ होंगे पंजाब लिए करना उन्होंने धोखेबाजी की है पंजाब के अज जे लोग ने उन्होंने वफादारी ने कारपोरेट राज चलाते हैं। अज जे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में यह पूछा जाए तो इन्ना टैक्स इकट्ठा किया पिछले इन्ने सालों में 10 सालों या 15 सालों वह हिसाब दे दौ कितने कितने सरकार ने खर्च किया। PCS रेवन्यू या IAS ऑफिसर जदों एंट्री करता है सर्विस उदों उहदी जिहड़ी स्टेटमेंट है प्रॉपर्टी की वह देख ली जाए कितनी है तो कभी उस तो बाद तफ्तीश कराने का किसी ने यतन किया हीला किया वसीला किया आंसर इज नो किसी ने नहीं किया। जो लोग जिन्होंने टैक्स वसूलना होंगे उ आप दसते हैं लोगों को लूप होल की है किस तरीके बाहर पैसा भेज सकते हो जो पंजाब के पैसे किस तरीके खोरा लाया जा सकता। एक गल मैनू अफसोस नाल कहनी पै रही है कि पंजाब दे जेड़े ते अफसर सरकार की नबत मुताबक चलते रहे या हरियाणा तो यदि धी चली मैं क्यों रहा कली हिमाचल का भी यही हाल है जे सारे इंडिया का ला लो तो उन्होंने भी यही हाल है फिर तो सब ठीक है ऑल इज़ वैल वरना तुसी गलत हो। ईमानदार की ईमानदारी उन्हों दिखाने लिए सबूत मंगता गोदी मीडिया। एक देश एक राज दे विच एक झंडा एक धर्म एक भाषा इदां दी चर्चावां बहुत चलियां ये पिछे जे हुण एक कानून का भी जिक्र होया UCC का है ना वो बड़ी चर्चा उसनूं लैके लोकां दे विच जिहड़े तां संवेदनशील लोग ने वो समझ रहे ने खास करके इहदा पंजाब ते की असर होण वाला तुहाडे हिसाब दे नाल। इह पढ़ी लिखी सरकार ने जे तुसीं इहनां दा बिल देखो 8 सैक्शन तो बाद बिल ही खत्म हो जांदा या इहनां दी अकल दा जनाजा निकल गया या इहनां दी अंग्रेजी खत्म हो गई है तो या इन्हों के पल्ले कख नहीं रहा अगे भी असी कहना की है कली होंगी है बिल्ली के गल च बनूगा कौन जिथे सिस्टम ही सारा आपस रलिया हो। एक फॉर्मर DGP है उत्थे सुरेश अरोड़ा जे मैं भुलता नहीं तो उन्होंने लाया होया उत्थे किन्ने उन्होंने गनमैन या सिक्योरिटी है तो उन्होंने टॉप क्लास 2 करोड़ वाली गड्डी दिती हुई है वो किहड़े खाते चों दिती है इनू की कहोगे करप्शन या रिवार्ड। एक अनपढ़ नूं लाता हरियाणा स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन मैं ना लै सकदा एक पत्रकार है जिन्हों लाता माफ करना लेकिन ये लोग जड़े ने जड़े सही लोग ने उन्हां उत्ते एक स्टिग्मा प्रकाश सिंह बादल नूं भी सवाल होए सी कि जदों जिउंदे सीगे तां उन्हां नूं भी पुछा गया सी भी तुसीं तां इन्नी बार MLA रह चुके हो तो तुहानूं हुण तक उन्नियां पेंशनां मिलदी होणगियां तां उन्हां ने साफ इनकार किया कहिंदे वी ये रिटायरमेंट तो बाद मिलती है जी। बिल्कुल झूठ बोलिया चिट्टा झूठ जिहड़ा नहीं बोलना चाहिए सी बादल साहब नूं कट्टो खा। एक जज हाईकोर्ट का रिटायरमेंट तो बाद पेंशन हो गया रियलिटी दस रहा तुहानूं MLA बन गया उहदी तनखाह लई उस तो बाद पेंशन लै लिया दो। एक वाटर कमीशन का चेयरमैन बन गया वह रिजाइन कर रहा उहदी भी पेंशन लै रहा 3-3, 4-4 पेंशन लै रहा उहदी 10 लाख पेंशन है इतने किसी बच्चे 10,000 तनखा नहीं
ਤੇ ਕਿਉਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਨਿਊਜ਼ ਓਨਲੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਸ ਵਕਤ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਉਂ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜਿਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਨਮੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਇੰਨੀ ਗਿਰਾਵਟ ਕਿਉਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਬੋ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰੀ ਦੇ ਨਿਘਾਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚਿੰਤਨ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸੋਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਭੂਮਿਕਾ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ ਹੋਣਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਾਲਤ ਦੇ ਨਾਲ ਲੰਮਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘਿਰੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਕਿਉਂ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਤੁਹਾਡਾ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਔਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹਾਂ ਮੈਂ। ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਜਿੰਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਜੇ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਉਂ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਹ 1737 ਅਤੇ 34 ਮਾਰੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵੱਜ ਗਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਦੌਲਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਸ਼ੌਹਰਤ ਲੁੱਟ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਕਲਚਰ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ ਅੱਜ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 12 ਵਜਣ ਕਰਕੇ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਵਰਨਾ ਇਹਦਾ ਰੱਬ ਹੀ ਰਾਖਾ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ, ਖਾਦਾ ਪੀਤਾ ਲਾਏ ਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਸਿਰਫ ਅੱਜ ਗੱਲ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਆਲਮ ਹੈ ਜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ ਪਾਈ ਸੀ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਭੱਟੀ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ, ਹਿੰਦੂ ਗਵਰਨਰ ਦੀਵਾਨ ਮੁਕਮ ਚੰਦ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਫਕੀਰ ਅਜ਼ੀਜ਼ੁੱਦੀਨ, ਅਤੇ ਉੱਧਰ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਥ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਅਤੇ ਪੁੱਟੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਾਈਆਂ ਉਹਨੇ, ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ ਏਰੀਏ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਈਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਜਰਨੈਲ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਹੀ ਦੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਮਰੌਦ ਦੇ ਕਿਲੇ ਹੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨੀਆਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸੌਂਜਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਰੀਆ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਜ ਇਹ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ, ਅਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਆਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਿੱਕਾ ਚਲਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਨੇ ਬਾਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੰਘਣ ਲੱਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਕਰਿੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਵੱਲ ਥਾਲੀ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਤਾਂ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਆ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਰਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦਿਖਾਓ ਜਰਾ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਿੱਕਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਕੀਤਾ, ਸਿੱਕੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਮਿਟ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਰਨੈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਇਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਏ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੇ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰਨ ਲਈ,
वो अपनी टोपी ला के इदा चलन लग गया सी जिहड़े साडे सिक्कां नूं इदा मसल दिंदे ने उहने किड्डा वड्डा इशारा महाराजा रणजीत सिंह वल्लों कर दित्ता सी। ਇਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਨੰਬਰ 1 ਦਾ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਈਨਾਂਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੀ ਅੱਜ ਵੀ ਗਾਥਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 1 ਰੁਪਏ ਦੇ 13 ਪਾਉਂਡ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਾਉਂਡ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਲੋਕ ਹਰ ਸੱਜਣ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਚੰਗਾ ਸੀ ਉਹ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੱਥੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਸੀਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਾਂ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਰਹੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਸੱਲੀ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਮਨ ਜੀਤੇ ਜਗ ਜੀਤ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਿਨਾਂ ਆਧੁਨਿਕ ਵਸੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਅਤੇ ਉੱਧਰੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੱਕ ਅਤੇ ਇੱਧਰੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਰਾਜ ਸੀ ਨੈਪੋਲੀਅਨ ਵੀ ਅੱਖ ਚੱਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੇਖ ਸਕਿਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇੰਨਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸਪਸ਼ਟ ਸਮਝ ਗਏ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਾਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾਏ ਟੈਰੀਟਰੀ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏ ਨਾ ਜਿੱਤੀ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਖੀਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖੀਰ ਖਾਂਦੇ ਰਹੀਏ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੋਈ ਨਾ ਆਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਵੇਖੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਜੁਮਲੇਬਾਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਰਾਜ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਮਨ ਜਿੱਤੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਿਊਮਨ ਚੇਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵੱਲ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕੇਗਾ ਪਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੋਰ ਲੱਭ ਲਿਆ ਨਾ ਕਿ ਮੁਫਤਖੋਰੀਆਂ ਵੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦਿਓ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਵੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਵੀ ਦਿਓ ਅੱਜ ਜੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਪਿਛਲੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ 15 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਸ਼੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਪਿਛਲੇ ਕੁਛ ਅਰਥੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੈਰ ਮਖਦਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਲੇਕਿਨ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਏਗਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿਤੋਂ ਆਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀਗਾ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਦਲ ਤੁਰਨਾ ਪਿਆ 1300 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 1400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਬੱਚੇ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਇੱਦਾਂ ਤੁਰਦੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਈਆਂ ਬਏ ਕਤਵਾਲ ਤੋਂ ਅਪ ਡਰ ਕਾਏਗਾ ਜੇ ਸਈਆਂ ਹੀ ਕਤਵਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਫਿਸਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਆਈ ਐੱਸ ਆਫਿਸਰ ਜਦੋਂ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਸਰਵਿਸ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੀ ਉਹ ਦੇਖ ਲਈ ਜਾਏ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੀਲਾ ਕੀਤਾ ਵਸੀਲਾ ਕੀਤਾ ਆਂਸਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਖਬਰਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਕਦੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ 1000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਆਈ ਐੱਸ ਆਫਿਸਰ ਦੀ ਮਿਲ ਗਈ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ
ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਯਹੀ ਹੋਗਾ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਕਦੀ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਛੜੀ ਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਾਸੇ ਅਤੇ ਅਸਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਇਦਾਦ, ਬੜੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਦਾਲਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਾਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ, ਤਾਂ IAS ਅਫਸਰ 'ਤੇ ਕਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਹੀ ਜਿਹਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਜੱਜ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਸੱਖਣੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ, DA ਸ਼ਬਦ ਜਿਹਨੂੰ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਟੂ ਅਸੈਟਸ, ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰੋਤ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਦੇ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ, IAS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, PCS ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ, ਈਵਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁੱਛਣ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਂਚ ਨਾ ਆਵੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਪਰਾਲਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੈਸੇ ਇੱਥੋਂ ਭੇਜਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਉਹਨੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਭੇਜੇ ਨੇ? ਸਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਲੰਘੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜਿੰਨਾ ਜੈਨੂਇਨ ਟੈਕਸ ਹੈ ਉਹ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਵਾਈਟ 'ਚ ਮਨੀ ਜਾਵੇ, ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨੀ ਕਿਉਂ ਜਾਵੇ ਇੱਥੋਂ? ਜੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਮਨੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਲਿਖਤ ਪੜ੍ਹਤ ਬਈ ਜੋਖਾ ਲੇਖਾ ਚੋਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਖੈਬਰ ਦਰੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਾਬਲ ਕੰਧਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੰਮੇ ਪਏ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਆਪ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੂਪ ਹੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੈਸਾ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖੋਰਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੁਗਾੜੂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹਰ ਬੰਦਾ ਜੁਗਾੜੂ ਹੈ, ਜੁਗਾੜ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜੇ ਇਹ ਜੁਗਾੜ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰੇਜ਼ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਵਾਲੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, 150 ਅਤੇ 51 ਅੰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਾਤਾ ਮੱਤ ਪਿਤਾ ਸੰਤੋਖ, ਮਾਂ ਇੱਕ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਅਕਲ ਦਾ, ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਇੱਕ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਦੀ ਇੰਸਪੀਰੇਸ਼ਨ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਅੱਗੋਂ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਚਲਾਉਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੌੜ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ ਪੈਸੇ ਲਈ, ਅੰਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਮਾਤਾ ਦੀ ਮੱਤ ਕਿੱਥੇ ਗਈ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਸੰਤੋਖ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਨਾਲ ਕਹਿਣੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇ ਅਫਸਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਬਤ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਧੀ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਰਹਾਂ ਇਕੱਲੀ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਲਾ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਭ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ, ਵਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਹੋ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ, ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਠਾਕੁਰ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਵੀ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਡਕਾਸਟਿੰਗ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਾਹਦੇ ਹੋ ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਕਿਉਂ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਏ? ਹੁਣ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਨਿਰਧਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਕਰਨਗੇ? ਇਹ ਲੋਕ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੋਮੀਨੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ ਵੱਖ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਝੰਡਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ, ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚੱਲੀਆਂ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ, UCC ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਚਰਚਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰਹੇ ਨੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਕੀ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ? ਉਹੀ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਖੋ, 8 ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿੱਲ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ,
या इन्हों की अंग्रेजी खत्म हो गई है तो या इन्हों के पल्ले कख नहीं रहा अगे भी असी कहना की है तुरत पे हाँ। ये किसानी बिलों समझा तुरे से आप समझ के आ गए साल सवा साल बाद वापस तो किसानी बिल वापस लेने पै गए। अज भी किसान की जी आमदन है दोगुना नहीं हुई। जेड़ा किसान तो इलावा दूसरे लोग हैं उन्हों की आमदन 6 गुना बढ़ गई है। जे ये सरकार है तो फिर कि माँ किस तरह किस हिसाब न माथी कहोगे तुम इस चीज़ में देख लो। तुम तो एक गल दसदा पंजाब दे नहीं सारे हिंदुस्तान के आई एस पी सी एस ऑफिसर जिन्ना भी ऑफिसर खेड रहा उन्हों की छानबीन करा लो। जिन्ना भारत के उत्ते इस सरकार ने लोन चाढ़िया 100 लाख करोड़ तो उत्ते दिना खत्म हो जाएगा तो भारत का जोड़ा रिजर्व है वो थोड़ा 10 टाइम्स मोर हो जाएगा। सर ये जी जिक्र कर रहे हैं ये सब तो वही गल यही आ जाती है कि भी वो जी टली होंगी है वह बिल्ली के गल च बनूगा कौन जिथे सिस्टम ही सारा आपस रलिया हो तुम पता है तुम जिस तरीके विचर रहे हो सारे सिस्टम के देख रहे हो सारी चीज़ा अफसरशाह पॉलिटिशियंस के नाल अंडरसटैंडिंग हैगी है तो उस तो बाद फिर कार्रवाई जी करवानी होंगी वो तो पॉलिटिशियन ने करवानी होंगी है मौके की सरकार ने करवानी होंगी है पर कहें कि उ जे रले हो तो फिर कौन टली कौन बनूगा गल च नहीं टली बनने वाले है ये एक गल सी लेकिन अभी टली बनने वाले है खूब होइया कोशिशा मेरे मिटावन दे मर गए ने जो उठे सन दबावन दे बाबा बलवंत ने एक बड़ा अच्छा शाहकार दिता सी पंजाबियों ये पंजाबियों की जिंद जान स्पिरिट सी पंजाबी लिटरेचर जिन्हों अज अखों परोखे कर दिता गया और जिन्होंने अखे परोखे किया उन्हों का अपना किरदार की है। पहले लोगों का किरदार सी पंजाबी साहित्यकार दे पंजाबी रचेतिया दे पोएटालिया दे उन्हों का किरदार सी अज कोई नहीं। एक तुम छोटी जी गल दस दिना मैं 2 दिन पहले वीडियो पाई है ओम जय जगदीश हरे एक आरती का उचारण ते प्रसारण होंदा। मैं बहुते हिंदुआं नाल गल कीती भी तुसी आरती करते हो पुछदे हो भी इहदा मीनिंग तां समझा दिओ मैनूं लेकिन 90% नूं इही नहीं सी पता भी इहदा रचेता कौन ते किसती उस्तती है। मैं उहदे उत्ते डिटेल्ड वीडियो पाई आ अपने चैनल पर यूट्यूब चैनल पर एडवोकेट जगमोहन सिंह पट्टी यूट्यूब चैनल पंडित शरदा राम फिलौरी फिलौर विच पैदा होए और उन्होंने इस आरती का उचारण 1870 विच कीता सी। उस तो बाद इहदा प्रचलन होया मंदरां विच विष्णु की उस्तति है इस दी और विष्णु मंदरां विच इहदा गायन हुंदा। बड़े लोगों ने मैनूं कहा ईवन कई चैनल्स के उत्ते भी जदों जाने असी डिबेट करते हाँ तो कई मित्रां नाल गल हुई वह कहिंदे जी सानूं नहीं सी पता अजे तक असी इन्नी उम्र दे हो गए हाँ सानूं नहीं सी पता। देखो पर पंडित शरदा राम फिलौरी ने देश नूं एक पंजाबी हो के जोड़न की कोशिश की तो साड़ी सरकार इतों नहीं समझ सकती कि पंजाबी जोड़ते हैं तोड़ते नहीं। पहली गल महाराजा रणजीत सिंह की एग्जाम्पल उन्होंने दिनों की है। शरदा राम फिलौरी जी 43 साल की उम्र लाहौर के 24 जून 1881 स्वर्गवास हो गए थे। किन्ने लोगों ने उन्होंने शताब्दी मनाई है या बरसी मनाते हैं किसी सरकार को पता आ जड़िया हिंदू संस्थावान या शिवसेना वाले बने फिरते हैं उन्होंने मैं चैलेंज करदा मैं दिखा दौ तुम उन्होंने श्रद्धांजलि किन्ने मनाया हो कोई दिन मनाया की है ये सारे जिन्हें कासे ने जोड़ लो तुम भावें अफसर ने या नहीं या सो कॉल्ड ये बने फिरते ने नेता जे योजे नेता ने कोई इन्होंने अफसर का चैक नहीं। वैसे मैं सवाल ये किया कि टली बनूगा कौन तुम किस तरीके देख लो लगता कि अदालतों जे लोग एक्टिविस्ट ने उन्होंने अपने तौर पर सवाल करने चाहिए ने क्योंकि अजक एक यह भी ट्रेंड हैगा कि आर टी आई पाओ तो बहुत सारी जानकारी निकल के सामने आ जाती है उत्ते एक्शन होना चाहिए कार्रवाई होनी चाहिए। आर टी आई दे विच तुहाडे सिर मूं पल्ले कुछ नहीं फड़ांदे। मैं आर टी आई जिहड़ा स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन है उहदे उत्ते भी पाई सी किस तरह के उन्होंने हालात ने मेरे यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है वो वीडियो उत्थे भी कोई काम नहीं लेकिन चीज़ ये है हुण तुसीं देखो
एक फॉर्मर डी जी पी है उत्थे सुरेश अरोड़ा जे मैं भुलदा नहीं तो उन्होंने बुलाया होया उ किन्ने उन्होंने गनमैन जां सिक्योरिटी है तो उन्होंने टॉप क्लास 2 करोड़ वाली गड्डी दिती हुई है वो कि खाते चों दिती है इनू की कहोगे करप्शन या रिवाज मैं कह रहा थोड़े चैनल पर कह रहा मैं एक अनपढ़ लाता है हरियाणा स्टेट इनफॉर्मेशन कमीशन मैं ना लै सकता एक पत्रकार है जिन्होंने लाता है माफ करना लेकिन ये लोग जड़े ने जोड़े सही लोग ने उन्हें उत्ते एक स्टिगमा ने सारे पत्रकार माड़े नहीं होंगे तो जे चंगे पत्रकार है तो सिर्फ उ जिंदा रहते हैं बाकी जड़े ने इस गर्दिश खत्म हो जाते पत्रकारी वाला सवाल चुके पंजाब भी बड़ी इस वेले त्रासदी है इतने बड़ी चिंता चल रही है कि जिस तरीके के हालात ने क्योंकि पत्रकारों ने पंजाब के मसलों की आवाज़ बुलंद करनी होंगी है कि जो तुम इस चीज़ को किस तरीके नोटिस कर रहे हो क्योंकि तुम बड़ी बरीकी सारे पंजाब के मसले में देख रहे हो इस वेले जिहड़े हालात ने लगता कि सारिया चीज़ों के नाल नाल पत्रकार भी निघार के दौर के लंघ रही है या फिर समझौते के दौर चो लंघ रही है इस वेले जे ये कहा जाए पंजाबी च दड़वट जमाना कट कुड़े भले देने आवन गए तो ये नहीं आने क्योंकि पत्रकारां नूं रोजी रोटी तो वंचित कर दिता जाता मालकां नूं कह के मैं तुहाडे चैनल पर डिकलेयर कर रहा इस चीज़ नूं अज तो नहीं पिछले 20 साल तो ये गल है मेरे को एग्जाम्पल ने ठोस सबूत ने सबूतों के आधार पर मैं गल करदा हवाई च गल नहीं करदा मैं और कई बारी जजां दा भी इंटरफेरेंस हुंदा इहदे विच मैं तुहाडे चैनल ते इह गल कह रहा और इदां दी बेबाक इंटरव्यू कोई नहीं देगा तुहानू जो मैं कह रहा अपने देश की गल कर लो टंडोरा लांदे हो तुसीं देश भगती दा पल्ले नहीं तेला कर दी मेला मेला इह किहो जिहियां गल्लां करदे हो तुसीं किस हिसाब नाल करदे हो क्यों करदे हो कल एक खबर आ रही थी एक शिव सैनिक ने कोई इतराजयोग समगरी पाई है सिंगला कोई कितों लुधियाने का कि पटियाले का तो उन्होंने अरैसट कर लिया वो उत्ते UAPA क्यों नहीं लाई ये किहड़े अफसर की मिली भुगत है वो UAPA क्यों नहीं लाई गई उन्हें किहड़ा देश के हित में कोई काम किया दस दौ मैनू जे किया तो एक बारी मेरे को मेरे को काफ़ी सज्जन मित्र आते रहते हैं तो एक बार शिवसेना वाले आ गए मेरे को भी भाई साहब तुम ये केस करना मैं कह ठीक है तुम केस करना लेकिन बनता नहीं मैं क्या एक चीज़ का मैनू तुम दस दौ जवाब थोड़िया किनिया शिवसेना ने जे जाई साहब ने पूछ लिया भी तुम कि शिवसेना रिप्रजेंट करते हो तो किनिया शिवसेना ने तो मैं उत्थे की जवाब देंगा उस तो बाद पांच बार चक्कर तो ला गए ने लेकिन अजे तक कोई जवाब नहीं दे सके हर बंदा निजी मुफाद निजी स्वार्थ नूं सामने रख के मैनू सिक्योरिटी मिल जाए मैं धक्के मुक्की नाल डरा धमका के काम करा लवां पैसे उगरा लवां अजे नवा रुजगार का साधन बन गया तो अफसरशाही इस ते अखां क्यों मीट के बैठी हुई है क्यों नहीं करते इस दे उत्ते कार्रवाई पहले अफसर होंदे सी वो गए खत्म बट वैसे वैसे जिस तरीके के हालात ने मानते हो कि बहुत सारा जिहड़ा पंजाब का खजाना हैगा वो इन लोगों दी जेबां दे विच चल गया तो बाद विच अपनी बड़ी आराम दे नाल इत्थों जिंदगी प्लैन करके विदेशां दे विच जाके वधिया उत्थे वड्डे वड्डे घर लैके रहिंदे ने आराम दी जिंदगी पंजाब नूं लुट के इदां दे भी हालात ने बिल्कुल ये गल बिल्कुल सच्ची है तुहानूं एक गल दस्सण लग्गिआ इस तों पहले लॉर्ड वेंतूरा हुंदा सीगा महाराजा रणजीत सिंह दे राज विच उसका आर्मी कमांडर सीगा क्रिश्चन सी नपोलियन की फौज नूं उहने सर्व किया हिटलर की फौज नूं उहने सर्व किया नहीं हिटलर की फौज नूं नहीं नपोलियन की फौज नूं उहने सर्व किया और जदों नपोलियन का पतन होया तो उन्हें महाराजा रणजीत सिंह की जिहड़ी है रियासत विच आ के एंट्री पाई और उत्थे अजे जनरल सर्व किया और उहदा जिहड़ा जद्दी पिंड फ्रांस विच है उस पिंड दे विच महाराजा रणजीत सिंह का बुत लग्या होया
और ओदे दुआले झंडा किहदा भारत का, भारत का झंडा ओदे दुआले। ये साड़ी सरकार साड़ा गोदी मुड़ी है, ये क्यों नहीं दसदा भी भारत की शान जे सिखा ने उच्ची की है तो किवें किवें कित्थे कित्थे दुनिया के कोने च की है। अज वो फ्रांस अज भी तुहानू दसदे आ उहदा सूरज दुनिया के विच नहीं डुबदा, उहदा किन्ने हिस्सों के विच कब्जा। तो साढ़े विश्व गुरु गए सन जे उत्थे खाना खूना खा के वापस आ जाते हैं या बीबियां बूबियां नाल हाथ मिला के वापस आ जाते तो माड़ी गल है। ये डंके कदे बजा के आते हैं उत्थे। आस्ट्रेलिया की जिहड़ी है सदर उन्हें इहदे नाल हाथ नहीं मिलाया, क्यों नहीं मिलाया? ये कहदा विश्व गुरु है, गोदी मीडिया ने नहीं दिखाया इस चीज़ को। जे लॉर्ड वेंतूरा दे पिंड दे विच अज भी महाराजा रणजीत सिंह जिन्हों उन्हें सर्व किया 14 जुलाई नूं फ्रांस दे विच सिख परेड निकलनी है, क्योंकि वो अज भी सिखां दे एहसानमंद ने भी सानू तुसी सैकेंड वर्ल्ड वार दे विच तुसी जर्मन्स तो बचाया सी ते असी तां इत्थे हाँ। सानू साडे देश ही साडी कदर नहीं, विदेशां विच कदर है। तो फिर किहो जिहे साडे अफसर ने जिहड़े इहो जिहियां चालां इहो जिहियां नीतियां जां इहो जी बगला धुन चलांदे ने करदे ने तरदे ने, इन्हां दे उत्ते कारवाई क्यों नहीं होंदी? ये देश दे गदार क्यों नहीं गर्दाने जांदे? ये देश भगत नहीं, ये देश दे गदार ने। तुसीं जिक्र करन लगे सी विदेशां दे विच वी वड्डे पद्धर ते हैगियां इन्हां दीआं प्रॉपर्टीज। हैगियां वड्डे पद्धर ते हैगियां, इन्हां नूं कहो एफिडेविट दे देण। साडा इलैक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अफसर शाह पोलीटिशियंस के हाथ च कठपुतली है, वो अपने मास्टर की गल सुनेंगे। एक पुराने जमाने रिकॉर्ड आता हों जो वो चलता हों सूई नाल अपने दर्शकों को दिखा देना, कई समझ ही नहीं लग ग्रामोफोन की गल करदा वो उत्ते लिखा हों HMV हिज मास्टर वॉइस, वो अलोप हो गई, ये शुरू हो गई। बट सर वैसे तुहाडे कोल तां बहुत सारे क्योंकि लंबा तजर्बा हो गया तुहाडा वकालत दा, हुण केसिस भी तुसीं देखदे होणे पंजाब दे सभ्याचार दे विच, कदे सोचिया सीगा कि वख-वख तरीके दे जिहड़े केस तुहाडे तक पहुँचदे ने? मैनूं लगदा कि वेले हैरानी भी हुंदी होणी है कि किद्दां किद्दां दे पंजाब दी धरती ते केस आ रहे ने इस वेले। आ 2 दिन पहले खबर है गुरदासपुर दे जज ने चोरी हो गई उहदे घर ते उहदी जिहड़ी डोमैस्टिक हैल्प सी उहदे उत्ते 3rd degree अत्याचार कीते आ। उह जज की न्याय करेगा जिहड़ा अपनी डोमैस्टिक हैल्प नूं न्याय नहीं दे सकिया? तो उस दे उत्ते साडी मानयोग हाईकोर्ट ने अजे तक अखां क्यों मीटियां हुई हैं? अजे तो हुणे ताजी ताजी गल हुई है, तो ताजी ताजी साडी हाईकोर्ट खुली है, इस हफ्ते खुल गई थी, तो अजे तक साडी हाईकोर्ट ने इस दे उत्ते संज्ञान क्यों नहीं लिया? चीफ मिनिस्टर होम सैकटरी या जिहड़ा होम मिनिस्टर जस्टिस का डिपार्टमेंट है उन्हें इस दे उत्ते गल क्यों नहीं की? तुसीं गल की सी अफसरां दी, जे अफसर अखां मीट के बैठे हुए ने तो उन्हां दी अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं? अफसरां दे जिहड़े बच्चे ने उन्हां नूं एजुकेशन अलाउंस देंदे ने, एजुकेशन अलाउंस जी, ते बाकी पंजाब दे जिहड़े बच्चे ने वो बच्चे नहीं, उन्हां नूं एजुकेशन अलाउंस क्यों नहीं मिलदा? भारत सरकार भी यही काम करती है, करप्ट करन वाले अफसरां नूं नजायज़ धांधलियां देण वाले रिओड़ियां देण वाले यही लोग ने, इसलिए वो काम नहीं कर। वैसे जे असीं पॉलिटिशियंस की गल करिए तुहाडे ध्यान दे विच ओह वी होणे कि पंजाब नूं रज के लुट्टण वाले पॉलिटिशियंस किहड़े किहड़े हैगे ने? वैसे जिस तरीके नाल असीं देखदे आं अकालियां दी सरकार लंबा समां पंजाब दे विच रही है, कांग्रेस ने भी राज कीता पंजाब दे विच, हुण आम आदमी पार्टी भी बनी है, तुसीं इह सारे पॉलिटिशियंस नूं किस तरीके नाल एनालिसिस करदे हो? तुसीं एक चीज़ देखो, 5 साल बाद पेंशन, कुछ करो या ना करो 5 साल बाद पेंशन, दूजी लग गई MLA दी टर्म, फिर 5 साल बाद पेंशन प्लस तनखा। जे अरविंद केजरीवाल की इत्थे गल कर ली जाए, जिहड़ा आम आदमी पार्टी का कन्वीनर है, उन्हें IRS पेंशनेबल करा के लैके ते अन्ना हजारे दे अंदोलन दे विच शमूलियत करके ते किवें छाल मारी, पहली उन्हां दी 33 दिन की या 40 दिन की सरकार सी, उहदी एक पेंशन खाई, सरकार खत्म हो गई, दूजी इलेक्शन आ गई उहदी पेंशन मिल गई 33 दिनां दी या 40 दिनां दी सरकार दी पेंशन मिल गई, क्योंकि भावें एक MLA जिहड़ा है वह अद्धे घंटे लई रह जावे, सहुं चुक्कण तों बाद रिजाइन कर दे, पेंशनेबल हो जांदी उहदी जॉब।
फिर दूजी आ गई 5 साल की पूरी तनखा लई प्लस वह पेंशन लई प्लस वो सर्विस वाली पेंशन लई सरकारी खजाने की किन्नी लुट मचाई जां किन्नी पाई। इहदे विच वी कहिंदे कि भेद ने जिन्ना चक्कर बंदा एक्टिव हैगा उन्ना चिर पेंशन नहीं मिलती, जो वो रिटायर हुंदा जां हार जांदा उस तो बाद पेंशन शुरू हुंदी है। नहीं जे मेरी गल गलत है गलत हुण तुसीं देखो इस बारे, क्योंकि प्रकाश सिंह बादल नूं भी सवाल होए सीगे जदों जिउंदे सीगे तां उहनां नूं भी पुछिआ गिआ सी वी तुसीं तां इन्नी वार एम एल ए रहि चुके हो ते तुहानूं हुण तक उन्नीआं पेंशनां मिलदी होणगीआं, तां उहनां ने साफ इनकार कीता, कहिंदे वी ये रिटायरमेंट तो बाद मिलती है, जो रिटायर बंदा हो जाए जा एक्टिव ना रहे उस तो बाद पेंशन शुरू होती है, उन्ना चेर तो उन्होंने सरकारी जी तनखा है तो नाल पत्ते ही मिलते हैं। बिल्कुल झूठ बोलिया, चिट्टा झूठ जोड़ा नहीं बोलना चाहिए। बादल साहब न घट्टो घट उन्होंने नहीं बोलना चाहिए सी, मेरे को गवर्नमेंट का डाकूमेंट पिया जिदा ही चो मनते हैं पेंशन इन है इन दिन हरियाणा का भी पाया पंजाब का भी पाया, क्योंकि तो एक गल मुख्यमंत्री पंजाब के जेडे भगवंत मान ने उन्होंने भी जिक्र किया, कहें कि कुछ बंदियां नूं हार के ज़्यादा फायदा सीगा विधायक जितन दे नाल, विधायक जे जितदे सीगे फिर तां उही तनखा मिलनी सी जिहड़ी मिलनी सीगी, हार गए तां 3-4 बार दी इकट्ठी पेंशन मिलनी सी उन्हां नूं। सुमित्रा महाजन लोक सभा दी मैंबर पार्लीमेंट रही है 8 वारी, 8 पेंशनां पाउंदी है, जे राइट टू इक्वैलिटी है सारिआं लई है, नहीं तां किसे लई भी नहीं। इत्थे हुण तुसीं की कहोगे जे इस वेले केजरीवाल की इनकम देखी जाए 2 पेंशन आम आदमी पार्टी दियाँ सरकार दियाँ, 1 5 साल वाली तो 1 40 दिन वाली, 1 उन्हां दी अपनी जिहड़ी सर्विस दी थी पेंशन वो 3 हो गई, इस वेले वर्तमान जिहड़ी वो सैलरी लै रहे ने प्लस पेंशन लै रहे ने आम आदमी पार्टी की सरकार। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर इस चीज़ नूं खंडन करन, इस चीज़ का मैं इन्हां नूं सबूत दे देंगा, दिखा दें जरूरत। एक यहो जी फिर अफसर छाइए, एक यहो जी धांधली है, तुसी देखो एक जज हाईकोर्ट का रिटायरमेंट तो बाद पेंशन हो गया, रियलिटी दस रहा तुहानू, MLA बन गया ओदी तनखा लई उस तो बाद पेंशन ले लिया 2, एक वाटर कमीशन का चेयरमैन बन गया वो रिजाइन कर रहा वो भी पेंशन लै रहा, 3-3, 4-4 पेंशन लै रहा, वो 10 लाख पेंशन है। इत्थे किसे बच्चे नूं 10,000 तनखा नहीं ते क्यों अफसरशाही सुती हुई है, क्यों इस दे उत्ते, क्योंकि अफसरशाही जिहड़ी है वह कदी ये नहीं चाहती जिहड़ा आम आदमी है, जिहदी आम आदमी पार्टी भगवंत मान की सरकार तर्जमानी करती है। मैं ये गल कही है ये तुसी उन्हां नूं जरूर पहुँचाओ मेरी गल, देखो नज़र तां नहीं करो, अपने देश के लोगों नूं घट्टो घट्ट ना लुट्टो, ये अफसरां दा पहला मिशन होना चाहिए। ज्ञानी करतार सिंह सी जॉइंट पंजाब दे मिनिस्टर सीगे, बारिश हो रही थी जिवें अज हो रही है, कैबिनेट रैंक 9 बजे पूरे और सैक्रटेरिएट चले गए साइकिल ते, छतरी पकड़ के इदा छतरी पकड़ के चले गए, किसी ने पूछा भी जनाब तुहाडी कार आ जानी सी, वो कहिंदे कार आवे या ना आवे मेरी कार पंजाब दी जिहड़ी लगी हुई है, कार मेरी कार पंजाब वास्ते जिहड़ी लगी हुई है उहदे विच फर्क नहीं आना चाहिए। उन्हां दा ब्रेकां वाला कच्छा हुंदा सी 5 गज दा, उन्हां ने अपने झोले चों कढ़िया सुक्का पा लिया जिहड़ा इक सीगा कोल उहनूं खलेरता, वह भी कुर्सियां ते अपने मंत्री दे कमरे विच, 4 सज्जन आ गए उन्होंने मिलन लई बारिश, वो कहिंदे कोई गल नहीं इहनूं मैं पिछे करदा, उन्होंने आप कुर्सियां साफ कीतियां, पीण की वेट नहीं की, उन्होंने पीण की वेट नहीं की, उन्होंने बिठाया अपना कचहरा उन्होंने पासे किया। अज किसी मंत्री दे विच इह जरूरत हैगी है ज्ञानी करतार सिंह वाले गुणा की? सवाल करदा मैं, ये पंजाब सरकार इस तो पहलिया पंजाब सरकार जो मैं जवाब दे दें धनवादी होवांगा इन्हों का। बट साहब तुसी ये भी चीज़ थोड़ा जा जिक्र करया सीगा कि नौजवान लगातार विदेशों वल जा रही है, वैसे चिंता की गल यही है कि इत्थे रह के कुछ नहीं हो पा रहा, जो बेआस हो गए हैं भी जिन्हें भी पोलीटिशियन वो तो अपने घर भर रहे हैं, जिन्हें भी अफसर ने उन्होंने पोलीटिशियन के इशारे से चलना, अक्सर असी जो अफसर शाह ने उन्होंने भी ये कहते सुने कि साडा पोलीटिकल मास्टर जो कहता हों सू उस मुताबिक ही चीज़ा इंप्लीमेंट करनिया पैदा ने,
मान ली कि यही कारण है कि नौजवान लगातार विदेश का रुख कर रहे हैं। अगे एक ट्रेंड हुंदा सीगा भी आई टी करनी है, फिर इंजीनियरिंग का ट्रेंड आया, हरेक बंदा कोई ना कोई सिविल इंजीनियर बन रहा सीगा, कोई इलैक्ट्रिकल इंजीनियर बन रहा, कोई मकैनिकल इंजीनियरिंग कर रहा सीगा। हुण एक दौर चल पिया आयल्स का, हुण हरेक बच्चा प्लस टू तो बाद आयल्स का कोर्स करके तो उस तो बाद जाना चाहता है। लगता कि यह भी चिंता की गल है पंजाब की, अगे जदों बाहर जाते ने जेडे मेहनती ने सिर्फ उही कामयाब होंदे ने। मेहनती कितें भी चल जाए भावें जंगल चल जाए, वह भी मंगल कर देगा। उत्थे जांदियां दरख्तां नूं डॉलर नहीं लगे हुए। मैं हुणे ताजी ताजी फेरी ला के आया विदेश की, तो मैं वीडियो भी पाईआं सन, तो मैं उत्थे देखिया जिहड़े बच्चे उत्थे गए दे ने रंग किवें उड्डे होए ने। फिर साडे ही उत्थे लोग जिहड़े ने इहनां दा नजायज़ फायदा उठाउंदे ने। सोशल मीडिया ते भी आंदियां, यूट्यूब चैनल ते भी आंदियां, किवें तीआं नाल खिलवाड़ हुंदा। जे तुसीं दसो अज इत्थे एक मैं तुहानूं इत्थे रेफरेंस देण लगा, एक धी ने वीडियो पाई भी कनेडा सुबह मैं आई हाँ, मैं इत्थे मेड हाँ कम वाली, कम वाली बिल्कुल, मैं कम वाली हाँ इत्थे, मेरे कोल उत्थे चार थी कम वालियाँ। लेकिन मैं उस बीबा नूं सवाल नहीं कर सकदा भी बीबा तेरी मर्जी सी तू गई उत्थे, जे तू ये सोचिया तू कम वाली इत्थे ते तू वापस आ जा, तेरे कोल इत्थे चार कम वालियाँ सी, इत्थे चार तेरे कोल कम वालियाँ सी। देखो जिन्हां कोल मेरे कई सज्जन ने, मैनू रोज़ किन्ने फोन फीडबैक आते ने, सारा कुछ आता है, जिहड़े दसते ने कहिंदे जी असीं इत्थे सुख हाँ, जो सुख छज्जू दे चुबारे ना बलख ना बुखारे, ये एवें जी गल नहीं सी, ये पंजाब दे विच लाहौर दे विच हवेली सी छज्जू दी, जिहड़ा सुनियारा सी महाराजा रणजीत सिंह दे राज दे वेले दी गल कर रहा मैं। ते जदों लोग विदेशों नूं जांदे सी, धर्मशाला हुंदी सी, धर्मशाला विच रात कट लैंदे सी, अगले दिन फिर सवेरे तुर पैंदे सी, उस छज्जू दी हवेली दे विच हर फैसिलिटी सी। ਉਹ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਕਿਹੜੀ ਸੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਲੋਕ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਕੱਢ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਿਮਾਗ ਪੁੱਠੇ ਪਾਸੇ ਛੇਤੀ ਚੱਲਦਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਖਾਣ ਪੀਣ ਸ਼ੁੱਧ ਜੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਰੋਟੀ ਦਾਲ ਸਬਜ਼ੀ। ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵੈਦ ਹਕੀਮ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸਹੂਲਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਨ, ਇਹ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 6 ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਇਮੋਰਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜ ਲੈਣੇ ਜਾਂ ਕਰ ਲੈਣੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁਲਿਸ, ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਨਿਗਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ RTI ਪਾਤੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੱਲੀਆਂ, ਕਿੰਨਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਟਾਇਰ ਬਦਲੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਇੰਨਾ ਪੈਟਰੋਲ ਲੱਗਿਆ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਆਹ ਲੱਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਟਾਇਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਦਲੇ, 2 ਲੱਖ ਗੱਡੀ ਚੱਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਡਾਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨੂੰ ਡਾਊਟ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪੱਤਰਕਾਰਿਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੰਕੁਸ਼ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਬ੍ਰੇਕਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਬਜ਼ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਦਾ ਉਹ ਚੈਨਲ ਚੱਲਣਗੇ, ਦੂਜੇ ਫਲੋਪ ਹੁੰਦੇ ਜਾਣਗੇ, ਔਰ ਕਈਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਵੀ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣੋ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਿੱਤ ਲਈ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਬੈਟਰਮੈਂਟ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਸੋਚ ਲਓ, ਸਮਝ ਲਓ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮਾਸਟਰ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰ ਵਾਇਸ, ਅਸੀਂ ਉਹੀਓ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ PCS ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ UPSC ਐਗਜ਼ਾਮ ਜਾਂ IAS ਦੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਸਕ੍ਰੈਪ ਕਰ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਦੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕਰਾਏ IAS ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
आखिरी सवाल पट्टी साहब, जिहड़े हालातां च असीं हैगे इहनां तों फिर कहिंदे नहीं हुंदे कि राह किद्दां दिखणा हैगा, निकलना किद्दां हैगा जिन्हां हालातां च इस वेले पंजाब फसिया। जिवें मैं शुरुआत विच जिक्र कर रहा सीगा, पंजाब दे पाणियां दा बुरा हाल, रिपोर्टां कह रहीआं कि जमीनी पाणी जिहड़ा पीण योग हैगा कुछ सालां दे विच खत्म हो जाणा जे इह हालात रहे। दूसरी गल, जे असीं गल करिए नौजवानी लगातार विदेशां दा रुख कर रही है, पंजाब दे विच जे असीं रोज़गार की गल करिए इस वेले तुहानूं पता उहदे की हालात ने। खेतीबाड़ी की असीं गल करिए तां किसान खेतीबाड़ी लगातार छड्डदे जा रहे हैं, तां बहुत गिणे चुणे लोक ने जिहड़े चाहुंदे ने कि उन्हां दी अगली पीढ़ी भी खेतीबाड़ी करे, नहीं तां इहदे इस खेत्र दे विच भी कोई आउणा नहीं चाहुंदा। इह सारे माहौल दे विचों फिर बचा किस तरीके नाल देखदे हो, बचणा किस तरीके नाल हैगा? जवाब दे दिंदा, जदों साडे बच्चे विदेशां नूं जांदे ने आईलेट करके, उत्थे की करदे ने जा के कमांदे ने, ट्रक ड्राइवर बन गए जां कुछ कम धंधे इत्थे उही इत्थे वाले ही करदे ने उह। लेकिन सारी उम्र 40 साल 50 साल वो मॉर्गेज दे के वो घर बनाते हैं, जिहड़ा इत्थे बाप दादे ने उन्हां दी झोली च मुफ्त च पाया हुंदा, उत्थे सारी उम्र मॉर्गेज देंदे रहिंदे ने। मैं एक इंटरव्यू दिता सी कि वटिया की खटिया, उहदे च गल दसी सी, उहदे च उहने यही दस्सिया जिन्हां नाल मेरी गल होई कि असी सारी उम्र कमाते रहे, जदों बच्चे वड्डे हो गए, 60 साल हो गए ने मैनू इत्थे आए नूं, ते मैं अपना घर मॉर्गेज फ्री कीता सी, बच्चों ने घर ले ले सी, मैं अपना घर वेच के बच्चों का मॉर्गेज फ्री कर दिता, लेकिन लोन दे विचों असी अज भी नहीं निकल सके। अज 80 साल हो गए ने उस परिवार नूं, उत्थे मैं किसे नूं डिसकरेज नहीं कर रहा, हिम्मत करो, उदम अगे लक्ष्मी पखे अगे पाउण, ये गल आम कही जाती है। इत्थे भी पंजाब दे विच भी बड़े अच्छे बच्चे ने। मैं एक बारी अपनी सब्जी मंडी है उहदे विच सब्जी लैन गया, 15-16 साल पुरानी गल है, दो यंग बच्चे सीगे छोटे छोटे, 25-26 साल दी उम्र दे दो भरा बैठे सी, ट्रॉली उहनां कोल वड्डी भरी हुई सीगी गोभी दी, ते उहनां ने मैनूं इह गल कही, सर लै लो तुसीं गोभी लै लो। जदों उहनां ने सर कहा, मैं कहा इसका मतलब इह है भी इह पढ़े लिखे आ, ते मैं उन्हां कोल खलो गया, मेरी जिन्नी जरूरत सी 2 किलो गोभी दी मैं गोभी लै ली, ते एक भैया उन्हां कोल खड़ा सी जिहड़ा दिहाड़ी करके आया सी 200 रुपए दी, ते उन्हां कहिंदा जी आ 200 रुपए दी ट्राली तुसीं मैनूं दे दिओ, आ 200 रुपया फड़ो कैश। उह आपस विच सलाह करन लग गए, उहनां दा विचार बन गया भी असीं दे दईए 200 रुपए, च ठंड बड़ी है ते घर चलदे हां। ते मैं उहनां बच्चिआं नूं कहा, मैं कहा बेटे जे तुसी ये ट्राली आप विचो किन्नी गोभी होएगी ये, कहिंदे जी घट्टो घट्ट ये 150 किलो गोभी है। मैं कहा तुसी रुपये तो भी घट दे हिसाब नाल इहनूं दे रहे हो, ते तुहाडी इस वेले 5 रुपए किलो दे नाल विक रही है, क्योंकि उदों रेट इन्ना सी 15-16 साल पहले दी जिहदे मैं गल कर रहा, ते तुहाडे तुसी देख लो किन्ने पैसे बन जाणगे, 2 घंटे होर बहि जाओ, 2 घंटे च तुहाडी फटाफट विक जाणी है, ते ठंडे च घर जाओगे, जदों तक घर पहुँचोगे इत्थों ते ज़्यादा तो ज़्यादा तुहाडा जो कमाई है तुसीं खेतां च लाई है वह तुहाडी जेब विच अपनी च होएगी, इहदे कोल नहीं जाएगी। भैया सियाणा देखो दिन दी दिहाड़ी ला के 200 रुपए च उहनां नाल डील कर रहा, वी मैं दे दिओ मैं अगे वेच दांगा, उहनें उही गोभी अगे 5 रुपए जां 7 रुपए वेच देनी सी तुहानूं अगे जिहड़े लोग है, लेकिन उहनां नूं मेरी गल समझ लग गई। जदों मैं नैक्सट वीक गया उत्थे, वह देखिया दूजे भरा ने, वह मेरे को आ गया, कहिंदा वीर जी सत श्री अकाल असीं इत्थे बैठे हाँ। मैं क्या ठीक है बेटा, कहिंदे जी तुसीं उस दिन सानूं बचाता, उस दिन असीं 1600 रुपया कमाया, नहीं तो 200 दे विच चले, नहीं तो 200 विच वेच के चले सी, जे तुसीं इह ना कहिंदे असीं तां तुर चले। यानी कि आप हिम्मत करन दी लोड़ है लोकां नूं, हिम्मत आप करन दी लोड़ है। ये गल मैं अपने चैनल ते भी कही है, मैं अपने चैनल ते इदां दीआं वीडियोज़ पाना, पंजाब दे हित लई, देश दे हित लई पाना, अपने बच्चों दे हित लई पाना। जिहड़े बच्चे हैं वो ये ना सोचन भी इत्थे कुछ नहीं, इत्थे साडे बच्चे उठते हैं, उहनां नूं फॉर्चूनर गड्डी चाहीदी है, उत्थे किसे मां ने फॉर्चूनर गड्डी नहीं देनी इहनां नूं जदों विदेश जांदे ने, पैदल बर्फ़ा च गोडे गोडे बर्फ़ा होंदियां, जदों भज्जे जाते हैं सवेरे 4:15, इत्थे मां 10 बजे आके दुध का गिलास देवे तां उहदी अख खुलदी है, उत्थे महाराज 3 बजे अख खुली हुंदी है, भई जे बस लंघ गई ते अज दी रोटी पानी तो गए असीं। ते फिर उत्थे जिहड़े गुरद्वारे ने, उत्थे जा के हर हिंदुस्तान दा बछिंदा जिहड़ा उत्थे गया, गुरद्वारियां च लंगर छकदा, मैं मंदिर च छकदा नहीं देखिया कदी।
बिल्कुल बहुत शुक्रिया पट्टी साहब, मैंने लगता कि बहुत सारी गल्लां जिहड़ियां अज कीतियां लोगों इस बहुत सारा कुछ सीखने मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सन जगमोहन सिंह पट्टी जिन्होंने गलबात करके असी समझने की कोशिश की कि पंजाब इन हालात पहुँचा क्यों, तो बहुत सारी चीज़ें इन्होंने दसियां कि किस तरीके अफसरशाही, किस तरीके जिहड़े राजनेता, किस तरीके जिहड़ा सिस्टम बनया होया साडे आले दुआले, इहदे विच बहुत सारिया उणताइयां, बहुत सारे भेद ने। जे जांच होवे तां बहुत सारे लोगों के भेद खुलणगे। फिलहाल ये जांच करावेगा कौन, ये वड्डा सवाल है। तुसीं इस बारे की सोचते हो, अपने कमेंट अपने टिप्पणी साडे नाल जरूर सांझे करो। तुहाडे तों अग्गे लैणी है। बहुत बहुत धन्यवाद।